अब तक आपने देखा एक और अनाचार्य सुदामा की मदद से राजगुरु बनने का षड्यंत्र रचते हैं, तो दूसरी ओर रामा का अपहरण करने के पश्चात सुदामा दरबार में रामा का स्थान ले लेता है ताकि महाराज को मार सके। बंदी रामा दौलत खान को चुनौती देता है ताकि वहां से निकलकर महाराज के प्राण बचा सके, किंतु दौलत खान की दी हुई चुनौती में रामा उलझ जाता है और सुदामा महाराज के प्राण लेने उनके कक्ष तक पहुँच जाता है। अब आगे एक ही बार में ग्रहण करने के लिए नहीं है संपूर्ण भोजन। अब भोजन प्रदक्षिण तो हमारी भूख और बढ़ जाती है और नियंत्रण समाप्त हो जाता है। ले भास्कर थोड़ा दूध पी ले, तेरी माँ तो स्वयं खाने में व्यस्त है। ये ले। कहीं कुंजी इस दूध में तो नहीं है? ये ले पी, जल्दी जल्दी पी भास्कर। ये ले। बापू आराम से, एक साथ पी लूंगा तो जोर से सूसू आ जाएगी। बस बापू इतना पर्याप्त है। क्या हुआ, नहीं पीना? चल कोई बात नहीं, शेष मैं ही पी लेता हूँ। इसमें भी नहीं है कुंजी, कहीं मैंने गलत संदूक तो नहीं खोल दिया ना? बापू ऐसा मत बोलिए, मैं यहाँ भूखा प्यासा नहीं मरना चाहता। कहीं हम सदैव के लिए यहीं फंसे ना रह जाएं, और वो सुदामा अपना कार्य समाप्त करके ना चला जाए। हे माँ सहायता कर, महाराज के प्राण संकट में है। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। कोई ना कोई साक्ष्य तो होना चाहिए था अगली कुंजी का। आखिरी ताले की आखिरी चाबी खाने की आखिरी वस्तु में। लंगोर गिली होते ही साक्षात अपने आप बाहर आ गया, क्या बात है। खाने का आखिरी वस्तु, वो अंतिम वस्तु हो क्या सकता है? कोई मिठाई नहीं, अचार या फिर पान। हाँ खान को पान बहुत पसंद है। क्योंकि अगली कुंजी इसी में है। हाँ अब हम यहां से निकलेंगे और सीधा जाकर महाराज को बचाएंगे। कोतवाल कहाँ है? कोतवाल! हे भगवान क्या हो रहा है यहाँ? महाराज के महल में हमारे रहते चोरी करता है? मार डालो इसे, हम भी इस धूप को दो चार हाथ लगाएंगे।
शांत हो जाइए, आप जाइए अपने अपने कक्ष में जाइए। कोतवाल जी, महारानी को उनके कक्ष तक छोड़ कर आइए। जो आज्ञा महाराज। महाराज आप... महारानी जी आइए, मैं आपको आपके कक्ष तक छोड़ के आता हूँ। आइए आइए। हटो, हम भी साथ मार डालेंगे। ये तो अन्ना की धोनी प्रतीत है। नहीं गुरुवर, मारने दीजिए इसे। निद्रा में हम पर आक्रमण करने वाले को दंड मिलना ही चाहिए। मारिए इसे। नहीं महाराज, नहीं महाराज, क्या आप समझ रहे हैं, ये वो नहीं है महाराज। तो कौन है ये? महाराज ये तो हमारे जैसे महान विद्वान पराक्रमी महापंडित अन्नाचार्य हैं, हमारे बड़े भ्राताश्री हैं। महाराज अन्नाचार्य का प्रणाम स्वीकार हो। महाराज प्रणाम, आपके भ्राताश्री है ये। विजयनगर में स्वागत है आपका, परंतु आप इस प्रकार भाग क्यों रहे थे? हाँ ये बताइए। महाराज आदत से बाध्य हूँ। जी हाँ, अर्थात? अर्थात महाराज वो जो वो अद्भुत खीर से बाद। जी। अब प्रश्न ये उठता है कि वो कौन था जिसने हमारे प्रिय महाराज पर आक्रमण किया? हाँ महाराज, आपने किसी को देखा था क्या? जी वो कोई पंडित था। आप ही की तरह कद था उसका, और आप ही की भांति वस्त्र भी धारण किए थे। इस पे संदेह गया और इसकी जांच हुई तो सर्वप्रथम हम ही फंसेंगे। मेरे समान दिख रहा था महाराज? हाँ पंडित रामकृष्ण, आप ही के समान दिख रहा था वो। महाराज रामा की भांति? जी हाँ, अब क्या ताम्र पत्र पर लिखकर उस पर अपनी मोहर लगा करते कि पंडित रामकृष्ण की भांति लग रहा था वो। महाराज आपसे त्रुटि हुई है, निसंदेह आप निद्रा में थे। मैंने जिस मानव को देखा उसके मुख पर मूछ और दाढ़ी थी। देखिए ना महाराज, अब देखिए ना महाराज, पंडित रामकृष्ण के तुम दाढ़ी मूछ है ही नहीं। हाँ महाराज, और उसका रंग भी गेहुआ था। अब पंडित रामकृष्ण तो गोरे हैं, और उसके सर पर रंगीन पगड़ी थी। अब पंडित रामकृष्ण तो पगड़ी पहनते ही नहीं है। महाराज इनके तो केश भी नहीं है। हाँ जब बाल ही नहीं है तो पगड़ी कहाँ से पहनेंगे। ऐसा हुलिया तो दौलत खान का है, उसे यहाँ कहाँ देख लिया इन्होंने? कोतवाल जी महाराज, आप जाइए और शीघ्र पता लगाइए कि इस वेशभूषा का व्यक्ति कहाँ है और क्या कर रहा है। जी महाराज। कोतवाल महोदय ध्यान रहे, उसके दो सहायक भी हैं। इनको ये भी ज्ञात है? ये आपको कैसे ज्ञात? महाराज अन्ना तो वो हैं जो उड़ते बाज को देखकर आभास लगा लेते हैं कि वो किसका आखेट करने जा रहा है, चूहे का या खरगोश का। अच्छा, अर्थात संपूर्ण परिवार में ब्रह्मदृष्टि है। और नहीं तो क्या? अन्ना को तो पूर्व आभास हो गया था महाराज कि आप पर कोई संकट आने वाला है, उसी के लिए सावधान करने आए थे। पर आपने कोतवाल जी, आपने बाहर रोक दिया, अन्यथा ये सब होता ही नहीं। अर्थात आपको पहले से आभास था कि ऐसा कुछ अनिष्ट घटने वाला है। महाराज हम जहां से देख रहे हैं वहां से स्पष्ट दिख रहा है कि संकट अभी चला नहीं है। You
सत्य कहा महाराज, सत्य कहा। अभी संकट टला नहीं है, हमें भी आभास हो रहा है। महाराज, आपको अपनी सुरक्षा के लिए प्राण प्रतिष्ठा जीवन रक्षा यज्ञ करवाना चाहिए। यदि ऐसी बात है तो गुरुवर, विलंब मत कीजिए, शीघ्र अति शीघ्र यज्ञ का आयोजन कीजिए। कोतवाल जी महाराज, सामग्री का प्रबंध कीजिए। जो आज्ञा महाराज। और गुरुवर, आप यज्ञ की तैयारी कीजिए। जी महाराज, हम तैयार हैं महाराज। पता नहीं वहां महल में क्या हो रहा होगा, मुझे इस खेल को समाप्त करके शीघ्र अति शीघ्र यहाँ से निकलना चाहिए। आप कहाँ द्वार खोलने जा रहे हैं? इस आभूषण वाले संदूक को खोलिए ना, इसमें से भी तो कुंजी मिल सकती है। इसमें कोई कुंजी हो ना हो, तुम्हारे मस्तिष्क पर ताला अवश्य पड़ा हुआ है। वह महाराज के प्राण संकट में है और तुम्हें आभूषणों की पड़ी है। यदि मैंने इस कुंजी से इस संदूक को खोल लिया और इसमें से कोई कुंजी नहीं मिली तो? शेष संदूकों में से भी कुंजी मिली है ना, इसमें से भी अवश्य ही मिलेगी। अरे, इतना सारा धन कोई छोड़ के जाता है क्या? मैं जानता था दौलत के नशे से आज तक कोई नहीं बच पाए तो ये पंडित रामाकृष्ण कैसे बचेगा, खास कर तब जब उसकी बेगम उसके साथ हो। क्या बात है हुजूर, आप तो बड़ी दूर तक की सोचते हैं। क्या दिमाग पाया है लाजवाब। दूर की सोच के तो यहाँ आए हूँ तमाम। इधर ये पंडित हारेगा, उधर कृष्ण देव राय मरेगा। जाओ जाके उसकी मौत की खबर लेकर आओ, मैं यहाँ देखता हूँ। जय हुजूर। अब हम यहाँ से धनवान होकर जाएंगे। किंतु मैं क्या सोच रहा हूँ, इस कुंजी को, इस संदूक को खोलने में क्यों व्यर्थ करना, जबकि हम इस संदूक को अपने साथ यहाँ से लेकर ही जा सकते हैं। परंतु कुंजी है ना। शारदा महोदया, जो थोड़ा बहुत मस्तिष्क ईश्वर ने तुम्हें दिया है उसका प्रयोग कभी तो कर लिया करो। इस कुंजी को द्वार खोलने के लिए प्रयोग करते हैं ना, संदूक तो घर जाकर अम्मा की लाठी से भी खोल सकते हैं। उठा लो ये। उठा लिया, अब तुम भी भास्कर को शीघ्र उठा लो और यहाँ से निकलने के लिए तैयार हो जाओ। उचित है। क्या हुआ तमाम, हो गया ना कृष्णदेव राय का काम तमाम? गजब हो गया हुजूर, सुदामा अपने काम को अंजाम नहीं दे पाया हुजूर। लेकिन तुम इतनी जल्दी जाके कैसे आ गए? नहीं हुजूर, जैसे आप मेरे गुलाम हैं, मेरा मतलब है जैसे मैं आपका गुलाम हूँ, ऐसे मेरे भी दो चार गुलाम हैं। उन्हीं से पता चला कि काम नहीं हुआ और कृष्णदेव राय ने अपनी सुरक्षा और भी बढ़ा दी हुजूर। चलो, एक चिंता से तो मुक्ति मिली, किंतु वो सुदामा महाराज को क्षति पहुंचाने का प्रयास अवश्य करेगा। हमें शीघ्र यहाँ से निकलना चाहिए। ये लो। हुजूर, इसने तो आपको इस चुनौती में भी हरा दिया, यानी कि पक्का हो गया। ऊंट का पेट कभी जीरे से नहीं भर सकता हुजूर। तमाम, तुमने मेरी बात को कभी ठीक से सुना ही नहीं। ऊंट का पेट जीरे से भर सकता है, लेकिन दौलत खान कभी हार नहीं सकता, क्योंकि उसे हराने वाला जिंदा बचता नहीं। ना हमें एक बात बताई, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आप वहाँ से भागे क्यों? तो आप तो ऐसे भागे जैसे आप चोर हैं। तुम हमें चोर समझते हो? अरे हमें तो महारानी तिरुमाल अम्बा की वो आयुर्वेदिक खीर भगा रही थी। ऐसा प्रतीत होता है हमें फिर से भागना पड़ेगा। स्वामी, जाने से पूर्व ये तो बताते जाइए कि जिस व्यक्ति का हुलिया आपने महाराज को बताया था, उसे देखा कहाँ था? ऐसे ही कहीं किसी को आते जाते देखा तो हमने महाराज को उसका विवरण दे दिया। परंतु क्यों? क्योंकि अगर हमने उसके विषय में नहीं बताया होता तो सब पंडितों पे संदेह जाता, सब पंडितों की जांच होती, और जब सब पंडितों की जांच होती, सर्वप्रथम
इसकी जांच होती और ये कहां होता? शौच में। हे भगवान, कारागार में। इसलिए हमारे मन में जो भी विवरण आया हमने दे दिया, अब हम जाएं? जाइए जाइए। परंतु त्रुटि से ही सही सही हुलिया दे दिया इन्होंने तो। अब इससे पूर्व की ये दौलत को फंसाए और अम्मा मुझे फंसाए, मुझे शीघ्र अपना कार्य पूर्ण करना होगा और उस बुढ़िया से भी निपटना होगा। युद्ध का मैदान खाली कैसे हो सकता है? कुछ तो संदेहजनक है। बाल बाल बचे, चलो निकलो यहाँ से। बहुत अच्छे शारदा, बहुत अच्छे। देखो महाराज ने तो अपनी सुरक्षा बढ़ा दी है, अर्थात वो सावधान हो चुके हैं। हमें सीधा अम्मा और गुंडप्पा के पास चलकर देखना चाहिए कि वो सुरक्षित है या नहीं। चलो चलो चलो। अरे वाह अम्मा, बेटे तो आप खुद भी नहीं बनाती, भला जितना तुम खुद। बकरी को दाल में पकाने के लिए तला तला के खाद खिलानी पड़ती है। बहुत अच्छे, अभी तू भी धीरे धीरे मिली ताली बातें समझने लगा है। शारदा की बात ही अम्मा, मैं हुई इतना गुणवान पुलिस। बेटे अम्मा बकली नहीं बकला। कौन है बकरा? तूने अम्मा पूछ लिया कि शारदा और भास्कर का है? अभी भी लेते नहीं आया उन्हें। कौन शारदा और भास्कर? अम्मा परिहास कर रहा हूँ। शारदा और भास्कर तो तिरुपति के अतिथि गृह में आराम से आराम कर रहे होंगे। कार्य समाप्त करके ले आऊंगा, अभी मुझे भोजन दो ना, बड़ी बड़ी जोरों की भूख लगी है, शीघ्र भोजन दे दो। भोजन तैयार है, दाल हलवा तांबा लिट्टी डोसा मस्त है। अरे वाह वाह। अब देखो इसके लिए इतना सारा भोजन और मेरे लिए कभी चाय तक नहीं बनाई अम्मा ने। होता है होता है, माँ का प्रेम कभी कभी उमड़ जाता है। अरे देख क्या रहे हो, परोसो परोसो, शीघ्र भोजन परोसो। ऐसे ही ऐसे ही अर्थात कैसे ही? बिना हाथ मुंह धोए। लामा अचानक तो इतना परिवर्तित कैसे हो गया? मैं परिवर्तित नहीं हुआ हूँ गुंडप्पा, वो भूख के कारण स्मरण नहीं रहा। अभी आता हूँ। देख रहे ना किसी अकड़ की बात कर रहा है। तुम देखो अपनी लाडली सास का पक्षपात, इसकी अकड़ भी स्वीकार है किंतु मेरी प्रार्थना तक कभी स्वीकार नहीं की। दोनों का उत्साह देख रही हूँ। हाँ वो सब तो देख रहे हैं। ला बोल लामा, चल प्रथम क्या खाएगा? करेले की सब्जी। करेले की तरकारी? अम्मा तो जानती है कि करेले मुझे पसंद नहीं है, फिर इस नकली रामा को क्यों खाने को दे रही है? हो ना हो अम्मा को भी इस पर संदेह तो हो ही गया है कि ये मैं नहीं हूँ, इसलिए उसकी जांच कर रही हैं।